नमस्कार साथियों, हमारे अपने YouTube चैनल स्पोर्ट्स क्लब ऑफिशियल में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पलाश राव। UAE में IPL 2021 सीजन 14 का पार्ट टू खेला जाना है 19 सितंबर से, लेकिन उससे पहले रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर को एक बड़ा झटका लगा है और वहीं कुछ गुड न्यूज़ भी है विराट एंड कंपनी के लिए। क्या है गुड न्यूज़ और क्या है बुरी खबर, हम आपको बताते हैं इस वीडियो में। आगे बढ़ने से पहले मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए वीडियो को, नहीं तो आपको जो खबर है वो समझ में नहीं आएगी। और हाँ, चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं आगे इस वीडियो में। UAE में जाने से पहले रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर को एक बड़ा झटका लगा है इस IPL पार्ट टू से पहले। UAE में 29 अगस्त को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर रवाना होगी और रॉयल चैलेंजर्स के हेड कोच साइमन कैटरेस ने इस्तीफा दे दिया है अपने कोच से। रॉयल चैलेंजर्स के हेड कोच साइमन कैटरेस ने बताया है कि कुछ निजी कारणों की वजह से मैं इस्तीफा दे रहा हूं हेड कोच से। हेड कोच के पद पर अब तक थे साइमन कैटरेस रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के तरफ से और अब रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के जो टीम इस टीम के डायरेक्टर माइकल हसन हैं और वो अब कोच की ज़िम्मेदारी पर रहेंगे। कोच की ज़िम्मेदारी उन्हें सौंपी गई है और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के हेड कोच अब माइकल हसन को बना दिया गया है। तो माइकल हसन अब रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के हेड कोच बने रहेंगे। वहीं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने अपने टीम में कुछ रिप्लेसमेंट भी की है। तो गुड न्यूज़ ये है कि कुछ रिप्लेसमेंट के तौर पर कुछ खिलाड़ियों को अपने टीम में शामिल किया है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने। दुश्मंता चमीरा, वरिंदो हसरंगा और सिंगापुर के बल्लेबाज टीम डेविड को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने अपने टीम में शामिल किया है। श्रीलंका के दो धाकड़ खिलाड़ी वरिंदो हसरंगा ऑलराउंडर और दुश्मंता चमीरा एक अच्छे गेंदबाज, इन दोनों खिलाड़ियों को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने अपने टीम में शामिल किया है। वीडियो में इतनी, बाकी अपडेट के लिए हमारे चैनल स्पोर्ट्स क्लब ऑफिशियल के साथ आप बने रहिए और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ।